नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, डेली आपके लिए एसबीआई क्लर्क प्री 2019 को मेरे दिमाग में रखते हुए एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का सेट डेली आपके लिए मिलेगा। तो उसी के चलते आज हम करेंगे स्केड्यूलिंग पजल। पजल इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क प्री 2018 के एक शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ ही समय में आपके सामने सेट सामने आएगा। खुद को 3 से 4 मिनट का समय दीजिए और उसके बाद प्ले करके डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज करके जल्दी से एक अटेम्प्ट दीजिए और उसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखते हैं, 7 persons ACLA की जीते कंडक्ट वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग प्रोडक्शन स्किल्स इन 7 different companies। ठीक है, 7 कंपनियों के नाम भी दे दिए। ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। तो चलिए जल्दी से बेसिक आउटलाइन बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दो वेरिएबल है, एक तो जो व्यक्ति है प्लस जिस कंपनी में वो वर्कशॉप ले रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी ऑर्गेनाइजेस वर्कशॉप इन कंपनी एस ऑन वेंसडे। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, सीधा यूज कीजिए। यहां पर बी रखिए वेंसडे के सामने और सामने उसके कंपनी एस। डी डज नॉट वर्क वर्कशॉप फॉर कंपनीज पी और आर, कंडक्ट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ ई, हु कंडक्ट्स वर्कशॉप फॉर यू। तो एक बार किसको होल्ड पे रखिए, पहले डायरेक्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। एफ कंडक्ट्स वर्कशॉप ऑन कंपनी टी ऑन फ्राइडे। कौन सी पर्सन एफ है, कंपनी है टी। ठीक है सर, आइए बढ़िए। जी कंडक्ट्स वर्कशॉप ऑन मंडे। जी कब करता है, मंडे को करता है, बट नॉट फॉर आर और वी। ठीक है। सी कंडक्ट्स वर्कशॉप फॉर कंपनी पी। सी कंडक्ट्स वर्कशॉप फॉर कंपनी पी बट नॉट ऑन ट्यूजडे। सी पी के लिए करता है पर सी पी के लिए करता है पर ट्यूजडे को नहीं करता। ठीक है, ट्यूजडे को नहीं करता तो दोनों सेक्शन खाली चाहिए, तो थर्सडे को हो सकता है, सैटरडे को भी हो सकता है, संडे को भी हो सकता है। चलिए देखते हैं जल्दी से। अब और क्या क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी उनको देखना आप स्टार्ट करते हैं। डी डज नॉट कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनीज पी एंड आर। पी और आर के लिए डी नहीं करता है। ठीक है। एंड कंडक्ट्स ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ ई, हु कंडक्ट्स फॉर यू। ई कंडक्ट्स फॉर यू और उसके जस्ट नेक्स्ट में डी आना चाहिए। ठीक है, ई यू के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए, डी। डी अब सी और पी ट्यूसडे को नहीं हो सकता, तो सी और पी के लिए जगह कौन सी बची है, थर्सडे, क्योंकि ये दोनों आपने पहले से। ठीक है, अब सी आ गया यहाँ पे, पी आ गया यहाँ पे, अब क्या बचा है, ए। ए ऑलरेडी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, जी ए कंडक्ट वर्कशॉप ऑन मंडे, ये तो है, बट नॉट फॉर कंपनी आर और वी। आर और वी यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, और यहाँ पर पी और आर नहीं आ सकता, यहाँ पर पी भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, और यहाँ पर कौन नहीं आएगा, यहाँ पर ना आर आएगा ना यहाँ पर वी आएगा। ठीक है, तो यहां पर पी और आर नहीं है तो क्या आ सकता है, क्या ऑप्शन बचा है आपके पास। पी तो पहले से ऊपर है, आर यहां पर नहीं है, आर यहां पर नहीं आएगा और आर यहां पर भी नहीं आएगा। आर ना यहां आ रहा है, आर ना यहां आ रहा है, तो आर के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, ए के सामने। ठीक है, अब यहां पर वी नहीं आ सकता, यहां पर वी नहीं आ सकता, तो वी यहां पर आ जाएगा। वी यहां पर आ गया तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर सर आपके सामने क्यू आ जाएगा। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका रेडी है। इसमें 5 questions आपसे पूछे गए थे, इजी टू मीडियम लेवल का सेट था, आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन की जरूरत है नहीं इसमें, केसेस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही।
अगर ध्यान से आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेट सही से करते हैं, तो टाइम के अंदर सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 मिनट मोर देन सफिशियंट मैं मानूंगा, 3 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा सेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये पजल लास्ट ईयर आपसे पूछी गई थी, तो अच्छे चांसेस है इस साल भी इस टाइप की, इस लेवल की पजल्स आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।